हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जब कलर करते हैं तो उसमें हम लोग डेवलपर मिक्स करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम डेवलपर को मिक्स करने से पहले कलर के साथ हम लोग सेक क्यों करते हैं? सुमन ने पूछा है कि डेवलपर को जब हम लोग कलर करते हैं तो कलर और डेवलपर को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से पहले हम लोग वो चाहे कोई भी कंपनी का डेवलपर हो या कलर हो तो उसमें हम लोग डेवलपर को पहले क्या करते हैं, डेवलपर का जो बॉटल्स होता है उसको हम लोग पहले अच्छे से शेक किया जाता है लाइक दिस। हाँ, तो ये इसका रीजन ये होता है शेक करने का कि डेवलपर में जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होता है जो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स है वाटर है और हाइड्रोजन परोक्साइड है। सो हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है, वाटर और हाइड्रोजन परोक्साइड जब एक साथ रहता है तो हाइड्रोजन परोक्साइड जो होता है वो वाटर के ऊपर होता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि आपको प्रॉपर पहले शेक कर लेना पड़ता है बॉटल को, ताकि आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है, बेसिकली हाइड्रोजन परोक्साइड जो बिल्कुल ही ऊपर लेवल पे डेवलपर के जो क्रीम होता है, लिक्विड होता है, उसके ऊपर लेवल पे होता है, वो प्रॉपर मिक्स हो जाए और उसके साथ में कलर मिक्स हो, तो वो कलर का रिजल्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छा और परफेक्ट आता है। थैंक यू सो मच सर, डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।